क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार, जो आज की अपन बात करने वाले हैं ना, जैसे कि जो हुंडई वर्ना थी, हुंडई वर्ना स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी और हुंडई की बहुत अच्छा प्रोडक्ट था। अगर हुंडई की बात करूँ, जो 12-15 लाख रुपए या उसके समथिंग के रेंज की लोग जो गाड़ी लेते हैं, एक हुंडई में क्रेटा हो गई और उनकी वर्ना, ये दो गाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है हुंडई की भी। जैसे कि अभी आपने हालांकि में सुना होगा कि 2023 का एक न्यू वेरिएंट में हुंडई वर्ना लॉन्च हो चुकी है। अब हुंडई वर्ना के लॉन्च होने के बाद क्या सीन हुआ है कि बहुत सारे लोग अब उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। किसी लोग को समझ आ रहा है उसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है, किसी लोग को लुक में उतना मजा नहीं आ रहा, मतलब चीजें हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा अपना एक, ये जैसे पेन कॉपी लेके बैठा हुआ था, तो मैंने आज ओल्ड वर्ना और न्यू वर्ना के बीच में थोड़ी सी मैंने चीजें निकाली, इंजन डायमेंशंस वगैरह सारी चीजें आज अभी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाली हैं। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो न्यू वर्ना है, जो कि 2023 वाला मॉडल आ रहा है, ये आपके लिए वर्थ है गाड़ी लेना कि नहीं। तो यार, अगर मैं सबसे पहले बात करें अगर अपन जो गाड़ी के लुक्स की, तो लुक्स में आज भी क्या है कि जो मेरे खुद के जो फ्रेंड सर्कल है और मैंने अपने जो दोस्तों से बात करे, तो उनको पुरानी वाली वर्ना का लुक ज़्यादा अच्छा लगता था। क्योंकि अगर बात ये है कि जो गैंगस्टर वाला लुक रहता है और एक जो थोड़ा सा एक माफिया वाला लुक रहता है, अगर अपन ब्लैक कलर की वर्ना में ब्लैक कलर के अलॉयज के साथ जेड ब्लैक शीशे करवा दें तो वो एक नंबर लगती है। लेकिन जो अभी नई वाली वर्ना आ गई है, थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ आई है, तो इसमें थोड़ा सा भी लोगों को अडॉप्ट करने में उनकी जो आँखें वो अडॉप्ट नहीं कर पा रही इतनी जल्दी उस लुक को। ठीक है, पहली बात डायमेंशंस वगैरह गाड़ी के कैसे क्या है। लेंथ 4,440 mm, जो कि पहले वाली जो ओल्ड वर्ना की थी सेम है। वृत्त 1729 की वृत्त है, सेम टू सेम है। हाइट 1475, व्हील बेस 2600 mm। ठीक है, ये चारों चीज़ें जो हैं बिल्कुल सेम टू सेम है। ऑन पेपर गाड़ी में कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। अगर मैं एक बेनिफिट की बात करूं, तो बेनिफिट गाड़ी में ये हुआ है कि इन्हें बूट स्पेस बहुत ज़्यादा कर दी है। 530 या 525 लीटर समथिंग का बूट स्पेस गाड़ी में ऑफर कर रहे हैं, जो कि इस रेंज की गाड़ियों में अगर होंडा सिटी या दूसरी सेडान गाड़ियों से कंपेरिजन करो, इस रेंज तक की 20 लाख तक के अंदर अंदर की, तो ये सबसे ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं बूट स्पेस। दूसरी बात, अगर अपन इंजन की बात करें कि जो गाड़ी में इंजन किस तरीके का ऑफर कर रही है, अभी पेट्रोल में गाड़ी आ रही है, पेट्रोल में अगर इंजन की बात करूं, तो न्यू वर्ना जो है वो 1497 सीसी का इंजन अपन को इसमें ऑफर कर रही है, जो कि 157 bhp की पावर निकाल रही है। साथ ही साथ 253 कि आपकी टॉर्क निकाल रही है। ये गाड़ी टॉर्क इतना प्रोड्यूस कर रही है, 4 सिलेंडर में आ रही है। और इस बात के साथ जब आप सोच रहे हो कि यार ये जो 157 bhp और जब 253 टॉर्क जब गाड़ी प्रोड्यूस कर रही है, तो दिमाग के इंसान के मन में आ जाता है यार कि माइलेज में तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत होगी। लेकिन नहीं भाई, माइलेज गाड़ी प्रोड्यूस कर रही है जो कंपनी क्लेम कर रही है 20.6 का, जो कि इस रेंज में काफ़ी अच्छा है पेट्रोल होने के बाद। अगर अभी मैं मारुति सुजुकी की ब्रेजा और आपकी ग्रैंड विटारा की बात करूं, तो 21 का क्लेम कर रही है कंपनियां, और इतनी ज़्यादा पावर, और इतनी पावर वो भी प्रोड्यूस नहीं करती हैं जितनी मैं बता रहा हूँ। सेडान गाड़ी आती है इसमें, जो अपनी न्यू वर्ना है, सेडान लुक में है गाड़ी, और उसके साथ ही 20.6 का माइलेज क्लेम कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छा है। दूसरी बात, अगर अपन इसकी बात करें कि भाई पैसे कितने में मिल रही है, क्योंकि अगर आप देख सकते हो, जो मैं भोपाल की अगर बात करूं, तो भोपाल के शोरूम्स में तो आ गई है। मेरे को इसका बुकिंग्स का नहीं पता कि बुकिंग्स अभी चालू हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन शोरूम में तो आ गई है। और अगर मैं शोरूम की बात करूं, तो जो प्राइस रेंज होने वाली है इस गाड़ी की, वो एक्स शोरूम की मैं अभी आपको बात कर रहा हूं, ये मैं भोपाल एमपी की बात कर रहा हूं, हो सकता है आप ये एक्स शोरूम है, इसके ऊपर आप 1-1.5 लाख रुपए ऑन रोड जोड़ लेना। बेस मॉडल की प्राइस हो जाती है अपनी 11 लाख रुपए, जो एक एक्स शोरूम है 11 लाख रुपए, मतलब अगर आप उस बेस मॉडल को लेने जाओगे 12 लाख 30 हज़ार, 12.5 लाख क्या मोटा मोटा आपको गाड़ी पड़ जाएगी। और अगर इसके टॉप मॉडल की बात करते हैं, तो इसकी प्राइस पड़ती है 17 लाख 40 हज़ार रुपये, जो कि अगर आप ऑन रोड लेने जाओगे तो हो सकता है 19-19.5 लाख रुपये तक का जाएगा। टोटल इस गाड़ी में 10 वेरियंट कंपनी ऑफर करती है। ठीक है, ये सारी अपनी बात हुई यार न्यू वर्ना से रिलेटेड। लेकिन अगर मैं अभी आपको बताऊं कि जैसे कि अभी नई वर्ना आ चुकी है, और जैसा कि अभी लास्ट वीक ऑफ मार्च, मतलब 3-4 दिन ही होंगे मार्च खत्म होने में, 2-3 दिन होंगे, और फिर उसके बाद जैसे आपको पता है कि अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर रहता है, तो उसमें हो सकता है कि गाड़ियों की जो जैसे मैं अभी मैंने आपको एक नई वीडियो जो आपने मेरी देखी होगी पुरानी वाली वीडियो कि उसमें मैंने बुकिंग डन का बता रहा हूँ, तो मतलब कंपनीज के सामने से कॉल आ रहे हैं कि सर अप्रैल में प्राइस रेंज बढ़ने वाली है, प्राइस बढ़ने वाली, सेम मॉडल सेम गाड़ी के ऊपर 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये तक का इंक्रीमेंट होने वाला है। क्योंकि जो गाड़ी की प्राइस रहती है, गाड़ी की प्राइस का 5% जो प्राइस है, वो 5% प्राइस बढ़ने वाला गाड़ी पे, तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप ले लो, ऐसा ऐसा करके बात वगैरह हो रही है। तो बात अभी ये है कि जैसे अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर आ जाता है, तो अभी जो थर्ड जनरेशन वाली वर्ना है, क्योंकि जो अभी आई है 2023 वाली है अपनी फोर्थ जनरेशन वाली वर्ना, और जो 2017 से लेके 2022 तक के बीच जो चली है जो वर्ना,
वो वाली वरना का ये तो देखो फेसलिफ्ट हर साल आते रहते हैं, हर एक डेढ़ साल में फेसलिफ्ट आते रहते हैं, लेकिन जो आपकी जो पुरानी वाली वरना है अगर आप उसका प्लान कर रहे हो कि यार मेरे को फर्स्ट एंड वही गाड़ी चाहिए यार, तो अभी ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि अभी, क्योंकि कंपनी ये जो प्रोडक्ट है वही चीज़ में आपको इसमें काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट दे देगी कंपनी, सेम मॉडल सेम चीज़ में अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, लेकिन बस ये रहेगा कि यार फेसलिफ्ट चेंज हो गई है। देखो गाड़ी की जो नई वाली गाड़ी आई है इसकी बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर गाड़ी में भर भर के दी है, लेकिन हालांकि मैंने अभी खुद एक बार टेस्ट ड्राइव नहीं लिया और मैंने वहां पे जाके देखी भी नहीं है, एक बार उसकी मैं अगर कभी शोरूम जाता हूँ या कभी कंपनी से मिल जाती है ऐसी गाड़ी की यार खड़ी है बात वगैरह करके, तो एक बार वाली वीडियो भी डाल दूंगा मैं। लेकिन जिस तरीके का डिजाइन है जो अभी आंखों पर अडॉप्ट नहीं कर पा रहे कई सारे लोग उस डिजाइन को, उनको पुराने वाली डिजाइन ही अच्छी लग रही है क्योंकि उसमें जब वो जेट ब्लैक शीशे करवा लेते हैं, क्योंकि मेरे खुद के जो दोस्त लोग हैं जब मैंने उनसे पर्सनली पूछा तो उन्होंने बोला यार पुरानी वाली में जो नई वाली गाड़ी है इसका थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन कर दिया गया, जैसे हुंडई की एक और आती है आयोनिक 5 की अगर मैं बात करूँ तो उसकी प्राइसिंग करीब अपन को पड़ती है 48 लाख रुपीज एक शोरूम ऑन रोड हाँ इतने कुछ है, मतलब एक्चुअल में ऑन रोड में अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ, 48 लाख समथिंग का उसका प्राइस पड़ता है उसमें, और उसकी डिजाइन भी बिल्कुल इसी की तरह जो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप 12 या देखो यार इसमें तो 10 वेरिएंट आते हैं, 10 वेरिएंट में जो भी आपको बीच वाला एक वेरिएंट रहता है जो वैल्यू फॉर मनी थोड़ा सा रहता है, सब लोग जो वो वाले लेना पसंद करते हैं, अगर आप देखो अगर आप पुरानी वाली वरना अगर आप लुक्स इतना नहीं देखते हो गाड़ी के, आपको यार इंजन का परफॉर्मेंस चाहिए रहता है, आपको गाड़ी में चीज़ें चाहिए रहती हैं कि हाँ यार थोड़ा सा एक आप अगर मॉडर्न थोड़ा आप जो आप सोचते हो मॉडर्न चीज़ आपको चाहिए जो आप पसंद करते हो, अगर मैं आप उसकी बात करो तो मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए न्यू वाली वरना पे। तो यार भाई जैसे आप लोग अगर ज़माने के साथ चलना चाहते हो, अगर आपको पसंद रहता है कि यार जो जनरेशन चल रही है वही गाड़ी चलाएं और वही सारी चीज़ें चलाएं, तो ये वरना आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। गाड़ी में माइलेज की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पावर गाड़ी में भर भर के दे दी है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो आई थिंक अगर आपका 15-16 लाख का बजट है, 14 लाख का ही बजट है, 14-15 लाख रुपए तक का बजट है, बुकिंग का वेटिंग का मेरे को अभी आइडिया नहीं है कितनी क्या है, ठीक है, लेकिन आप जितना लिए हो सकता है आप बुक कर दो और बुक के बाद आपको गाड़ी मिल जाए, 14-15 लाख रुपए तक का बजट है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं से कंपिटिटर्स की बात करूं तो स्लाविया भी आ जाती है आपकी, होंडा सिटी आ जाती है, वर्टस आ जाती है, तो ये सारे एक ऑप्शन आपके सामने मिल जाते हैं, लेकिन जिस तरीके का वरना का अभी जिस तरीके से मॉडिफाई किया है इन इंजन वगैरह में, आई थिंक यू गो फॉर वरना, बाकी आपका पैसा आपकी चॉइस। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई।